रक्षाबंधन के त्योहार के पहले दिन रोशन हुआ बाजार। बहनें रंग बिरंगी राखियां खरीदती हुई आई नजर। सागवाड़ा। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा शहर में रक्षाबंधन के त्योहार को देखते हुए भाई बहन के पवित्र रिश्ते को यादगार बनाने के लिए बहनें रंग बिरंगी राखियां खरीदते हुए नजर आई। बाजार में रंग बिरंगी राखियों के स्टॉल लगे हुए नजर आए। मिठाई की दुकान पर मिठाई खरीदते हुए बहनों ने खरीदारी की। शहर में रक्षाबंधन के त्योहार पर कोरोना काल के 2 साल के बाद पहली बार इस तरह की रंगत नजर आई। जगह जगह पर पुलिस ने मोर्चा संभाल कर व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग किया। कल रक्षाबंधन के त्योहार पर भाई बहनों का पवित्र त्योहार, एक दूसरे को भाई की कलाई पर बहने रक्षाबंधन का सूत्र बांध कर रक्षाबंधन का त्योहार मनाएगी। जितेंद्र सिंह चौहान, पब्लिक वॉइस ब्यूरो, सागवाड़ा। त्योहारों को देखते हुए सागवाड़ा शहर में बड़ा ट्रैफिक। यातायात के नियमों की पालना नहीं करने वालों का कटा चालान। मध्य प्रदेश परिवहन निगम की बस का भी कट गया चालान। सागवाड़ा। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा थाना अंतर्गत सागवाड़ा शहर के गोल चौराहे पर आज त्योहारों को देखते हुए ट्रैफिक बढ़ गया, जिससे आवागमन प्रभावित हुआ। शाम को मध्य प्रदेश परिवहन निगम की बस गोल चौराहे पर सवारी उतारते हुए खड़ी हो गई, जिससे गोल चौराहे पर ट्रैफिक बाधित हो गया। जिसे देखते हुए ट्रैफिक पुलिस हेड कांस्टेबल राजेंद्र सिंह चौहान ने अमित गोस्वामी कांस्टेबल की मदद से मध्य प्रदेश परिवहन निगम की बस का भी चालान काट कर दंडित किया। इसके अलावा एक पिकअप जो कई देर से गोल चौराहे पर ट्रैफिक के नियमों की पालना नहीं करते हुए खड़ी रही, जिसका चालान काट कर दंडित किया गया। सागवाड़ा शहर आसपास के क्षेत्र का सबसे बड़ा शहर होने की वजह से त्योहारों पर भारी ट्रैफिक समस्या उत्पन्न होती है, जिसे देखते हुए ट्रैफिक पुलिस व्यवस्था बढ़ाने की जरूरत है। सागवाड़ा लाइव न्यूज। जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।